पति चैनल पर आपका स्वागत है। आज से 2400 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य जी ने समाज की व्यवस्था, वह चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि समाज के अंदर तीन तरह के पुरुष होते हैं। एक राजनीतिक पुरुष, दूसरा धार्मिक पुरुष और तीसरा सामाजिक पुरुष। राजनीतिक पुरुष वह होता है जो हमेशा राजनीति में व्यस्त रहता है, अपने दुश्मन को कैसे पछाड़ना है, साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाता है और हमेशा वो सजग रहता है, हमेशा अपने दुश्मन को मात देने के लिए तत्पर रहता है। दूसरी कैटेगरी है धार्मिक, धार्मिक पुरुष। समाज में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो हमेशा धर्म में लगे रहते हैं, धार्मिक कार्य ही उनके लिए सब कुछ है। ईश्वर का जप, पूजा पाठ एवं समाज में यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करा रहा है तो उसमें भी वो तत्पर रहते हैं, मतलब सबसे आगे रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है सामाजिक कैटेगरी है, सामाजिक पुरुष जिसको कहते हैं, जो समाज के कार्यों में व्यस्त रहता है। जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके घर जाना और स्मशान घाट तक जाना, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, बर्थडे पार्टी है उसमें पहुंचना, कहीं पर धार्मिक भंडारा है उसमें पहुंच जाना, कहीं पर शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है उसमें पहुंचना, मतलब जो सामाजिक कार्यक्रम है, किसी के दरवाजे पहुंच करके, कोई बीमार है कि उसके दरवाजे पहुंच करके उसके हालचाल को लेना और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उपाय बताना, ये सामाजिक पुरुष हैं। लेकिन जो इन तीन कैटेगरी के पुरुष हैं, इन तीनों कैटेगरियों में तीन ऐसे सामाजिक अवगुण हैं जो इनको बदनाम कर देती है। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक पुरुष है, वह अगर शराबी है, जुआड़ी है, पर स्त्री गमन है, दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, तो वह राजनीति में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और वह बदनाम हो जाएगा और बदनामी की वजह से वह राजनीति छोड़ देगा, उसके उच्च पदस्थ लोग उसको महत्व नहीं देंगे, न नीचे वाले उसको महत्व देंगे और वह हताश और निराश हमेशा रहेगा। दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं धार्मिक कैटेगरी के। धार्मिक कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, अगर वो भी इन तीन व्यसनों में व्यस्त हैं, यानी पर स्त्री गमन, जुआ और शराब, शराब के साथ साथ क्या है जो धार्मिक कार्यों में लिप्त है, जुआ तो छोड़ दीजिए, शराब के साथ साथ गांजा भांग और अफीम भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं, हीरोइन भी पीते हैं ये, तो अगर ऐसे धार्मिक कार्य में लिप्त व्यक्ति हैं तो उनको समाज में या धार्मिक समाज में उनको महत्व नहीं मिलेगा, उनका सम्मान वहां पर नहीं होगा। अच्छे अच्छे मेले लगते हैं, जैसे कुंभ मेला है, माघ मेले हैं, हमारे देश में चार जगह कुंभ मेले लगते हैं, तो ऐसे साधु संतों को या ऐसे धार्मिक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को सम्मान नहीं मिलता जो जुआ में, शराब में और पर स्त्री गमन में व्यस्त रहता है। तीसरी कैटेगरी आती है सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक पुरुष। अगर सामाजिक पुरुष कोई है और उसके अंदर ये तीन व्यसन है, पर स्त्री गमन, जुआ एवं शराब, तो समाज में भी उसकी कोई गिनती नहीं होती, समाज के लोग भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते और उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर चाणक्य जी कहते हैं कि इसका उपाय क्या है।
इसका उपाय है, यदि आप राजनीतिक बनना चाहते हैं तो सात्विक राजनीति बनिए, राजनीतिज्ञ बनिए। यदि धार्मिक बनना चाहते हैं तो आप सात्विक धार्मिक बनिए। और अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं, यानी सामाजिक पुरुष बनना चाहते हैं, तो सामाजिक कार्य के हिसाब से आप काम करें, बिल्कुल सात्विक रहें और समाज की सेवा करें। तो हमारे समाज में तीन ऐसे अवगुण हैं, डीमेरिट जिसको कहते हैं, इंसान के एक डीमेरिट्स हैं जो इंसान को पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। वह है जुआ, जुआ खेलना, खिलाना या जुआरियों के साथ रहना। दूसरा है शराब पीना, शराब पीना, पिलाना या शराबियों के साथ रहना, गांजा भांग पीना, पिलाना या शराबियों के साथ रहना, यह दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में पर स्त्री गमन, अगर कोई व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है, अपना परिवार तो खुशहाल कर नहीं पाता और दूसरे के परिवार को भी खुशहाल नहीं कर पाएगा वो, और इस दोनों के बीच में लटक करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यह जो तीन व्यसन है, यह तीन व्यसन के आसपास भी व्यक्ति को कभी भटकना चाहिए नहीं चाहिए, और यदि तीन व्यसन में कोई व्यक्ति लिप्त है तो उसके करीब भी न जाइए, उससे दोस्ती मत रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।